स्टूडेंट्स आईसीएससी क्लास नाइन और आज का चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन uh, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है ये तो आपको पता है कुछ बनाना कुछ नया चीज का आविष्कार करना सो लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट बहुत ज्यादा इजी है प्रोडक्शन एम्प्लाइज क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सो गुड्स एंड सर्विसेज़ सो so, ट्रेड जब भी करना है बिजनेस जब भी करना है इकोनॉमिक एक्टिविटी जब भी करना है तो गुड्स एंड सर्विसेज पे ही तो करना है सो so, पहले तो बनाना पड़ता है अगर आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो आप सेल्स मार्केटिंग क्या करोगे अकाउंट्स क्या बनाओगे सो so, प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सो प्रोडक्शन एम्प्लॉज क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ये गुड्स एंड सर्विसेज कैसे बनता है अब गुड्स के लिए अगर हम शर्ट का बात करें शर्ट एक गुड है तो रॉ मटेरियल चाहिए यस सो विद द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रोसेस ओके प्रोसेस का जब भी बात आए तो मैंने आपको समझा रखा है प्रोसेस में क्या होता है प्रोसेस में होता है इनपुट फिर यहां होता है प्रोसेसिंग और यहां होता है आउटपुट सो इनपुट में हमेशा होता है रॉ मटेरियल, आउटपुट में हमेशा होता है फिनिश गुड्स सो ये सिंपल सी बात है इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न विद कन्वर्जन सो यहां जो हमने अभी जस्ट कहा था इनपुट के बाद प्रोसेसिंग तो आप उसको कन्वर्जन भी बोल सकते हो सो विथ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटीरियल इंटू सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बाई अप्लाइंग वेरियस प्रोसेस एंड प्रोसीडियर्स सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ठीक है सेमी फिनिश मतलब कुछ काम करना बाकी है जैसे कि आज के दिन में बहुत सारे फर्नीचर आते हैं जो आपके घर पे आके वो असेंबल हो जाते हैं ठीक है तो ये हो गया एक प्रकार का हम बोल सकते हैं सेमी फिनिश्ड या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक प्रोसेस जो है वो हम यहीं तक करेंगे हमारा काम है सिर्फ क्लॉथ बनाना सामने वाला का काम आगे और कुछ करना तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं ठीक है तो किसी प्रोसेस को जो अधूरा है सिंपली पुट अधूरा है तो सेमी फिनिश्ड है और बेचने लायक हो गया है मार्केट में तो वो फिनिश प्रोडक्ट है एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ट्रांसफॉर्मेशन ओ माई गॉड कितने अच्छे अच्छे शब्द मिल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दो तो उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन सो so, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है कोई ना कोई प्रोसेस लगाना पड़ता है सो so, प्रोसेस लगाने से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है अब जैसे मिल्क से हम घी बनाते हैं तो कोई ना कोई मिल्क को ट्रांसफॉर्म कर दिया घी में सो so, प्रोसेस तो होता है जी ठीक है

फिनिश प्रोडक्ट्स जिसे हम फिनिश प्रोडक्ट कह रहे हैं या कंपोनेंट पार्ट्स एटसेट्रा मे बी कॉल्ड प्रोडक्शन कंपोनेंट पार्ट्स भाई मेरे को अल्टीमेटली बनाना तो है गाड़ी बट गाड़ी के भी छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं ना हम लोग तो कॉम्पोनेंट पार्ट्स भी हो सकता है ब्रेक का ब्रेक शू बना रहे हैं हम ठीक है द एसेंस ऑफ प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटीरियल्स और थ्रू दसेंबलिंग ऑफ स्मॉल पार्ट छ को जोड़ के हम एक बड़ा प्रोडक्ट बना लेते हैं दिसकन्वर्जन ऑफ इनपुट इंटू आउटपुट सो इनपुट है कुछ हमने लगाया प्रोसेस या कन्वर्जन का टेक्निक्स प्रोसीडियर और हमने बना दिया आउटपुट ठीक है जी सो so, ये कन्वर्जन दिस कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स ये जो इनपुट्स है उनको आउटपुट में लेकर आ रहे हैं एड्स टू द वैल्यू और यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफकोर्स क्योंकि हमें काम तो ये आउटपुट से लेना है ठीक है कल तक ये ऐसे ही एक वुड था बेचारा वुड और आज ये हो गया बहुत बड़ा एक अच्छा सुनहरा टेबल तो टेबल का यूटिलिटी है द वैल्यू और यूटिलिटी क्रिएटेड बाय प्रोडक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ इनपुट्स एंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट्स अच्छा बात है यह द वैल्यू और यूटिलिटी क्रिएटेड बाई प्रोडक्शन वैल्यू क्या बना कल तक इस वुड का वैल्यू क्या था हमारे लिए कल तक इस वुड का वैल्यू लेट से टेन पॉइंट्स था और आज इस टेबल का वैल्यू हमारे लिए 100 हंड्रेड पॉइंट है तो so, प्रोडक्शन करने से हमने 10 से प्लस 90 कर दिया ठीक है सो वैल्यू क्रिएट कर दिया हमने 10 से प्लस 90 कर दिया हमने तो वैल्यू क्रिएट हो गया जी सो द वैल्यू और यूटिलिटी क्रिएटेड देखो यहाँ पर है ना क्रिएटेड ये क्रिएट कैसे हुआ प्लस नाइन्टी बहुत सारे प्रोसेस लगे उसको वुड को काटे हैं हम उसको काटने के बाद उसका साइज देखे हैं और साइज के बाद उसको हमने फिट किया है स्क्रू डाला है पॉलिशिंग किया है तो ये सब प्रोसेस हमने लगाया है तो वो वुड टेबल में कन्वर्ट हो गया ठीक है जी प्रोडक्शन फंक्शन इज क्रिएटिव अभी अभी हमने बात किया वुड से हमने बना लिया एक सुंदर टेबल या चेयर ऑफ कोर्स अब वो चेयर के भी अलग अलग डिजाइन होते हैं टेबल के भी अलग अलग डिज़ाइन होते हैं वो हमारे क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है इट इन्वॉल्व्स प्रॉपर यूज ऑफ इनपुट्स अब अलग अलग लोग बोलते हैं भाई आजकल वुडन फर्नीचर कौन यूज़ करता है अभी तो आजकल रॉट आयरन और अलग अलग मटेरियल का काम हो रहा है तो अलग अलग इनपुट्स को हम यूज़ करके हम एक ज़बरदस्त टेबल बनाएंगे so as to convert them into useful products production of goods and services is an intricate and complex process dekho bahut mahin kaam hai detailing wala kaam hai aur easy nahi hai complex process hai kyunki एक भी प्रोसेस में अगर हमने काम सही से नहीं किया जैसे अगर पॉलिशिंग का बात करें तो सरफेस जो है उसको पहले अच्छे से सैंड पेपर से रगड़कर उसको smooth करना पड़ता है अगर हमने पॉलिशिंग करने से पहले सरफेस को स्मूथ नहीं किया और डायरेक्ट पॉलिश कर दिया तो वो ग्लेज नहीं आएगा वो शाइन नहीं आएगा वो फिनिशिंग नहीं आएगा वो टेक्सचर नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि हर एक चीज का एक प्रोसेस है इट इन्वॉल्व नॉट जस्ट दीकेशन ऑफ टूल्स टू मटीरियल्स हाँ आज के दिन में देखो अगर आपको घर को घर के वॉल को पेंट कराना है तो पहले तो लेबर मिस्त्री जो है वो आते थे सैंड पेपर से हाथ से रगड़ते थे और आज के डेट में पॉलिशिंग टूल्स आ गए सैंड पेपर के जगह एक मशीन आ गया है तो टूल्स तो देखो टूल्स का भी इस्तेमाल ज़रूरी है बट टूल्स का इस्तेमाल भी कैसे करना है उसका भी प्रोसेस है या दूसरा एग्जाम्पल दू एक सिंपल आपको आयन करना है अपने पैंट को कल स्कूल जाना है या आपको आयन करना है और उसका भी प्रोसेस है कितना गर्म रखना है कितना कैसे करना है अगर गलत प्रोसेस से कर दिए तो पैंट जल जाएगा सो बट मच थॉट एंड लॉजिक टू वर्क सो इन नॉट जस्ट एप्लीकेशन ऑफ टूल्स एक आयरन मिल गया एक स्क्रू ड्राइवर मिल गया एक आपको ड्रिल मशीन मिल गया ड्रिल मशीन से आप दीवार पे होल कर सकते हो पर आपको ध्यान रखना है कि होल कितना करना है किस साइज का करना है और केयरफुल रहना है ऐसा नहीं कि अपने हाथ पे ही होल कर लिया ठीक है सो एप्लीकेशन ऑफ टूल्स टू तो मटेरियल में टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है बट मच थॉट एंड लॉजिक टू वर्क बट कैसे करना है काम दिमाग के साथ करना है। सिर्फ टूल्स होने से काम नहीं होगा आपको पता होना होगा कि कैसे करना है द फ्लो ऑफ मटीरियल्स हैज टू बी रेगुलेटेड एट सक्सेसिव वर्क पॉइंट इन द प्रोडक्शन सिस्टम द फ्लो ऑफ मटीरियल्स देखो दोस्त अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लेकर चलू कोई भी एग्जाम्पल ले लो अगर आप मिठाई वाले का भी एग्जाम्पल ले रहे हो तो भैया दूध ही नहीं आया तो मैं मिठाई कैसे बनाऊ चलो दूध तो आ गया है बट uh, गैस नहीं मिल रहा है मेरे को ये ले भैया गैस ले ले अरे गैस तो आ गया बट uh, वो सिलेंडर ख़त्म हो गया वो नहीं मिल रहा है अच्छा गैस भी आ गया सिलेंडर भी आ गया सब कुछ आ गया तो अब आपके पास uh, जो यूटेंसिल्स है भाई मैंने दूध तो गर्म कर लिया बट मेरे को उसको ट्रांसफ़र करना है मलाई को अलग जगह रखना है तो उसके लिए मेरे पास यूटेंसिल्स नहीं है तो देखो हर एक प्रोसेस में अब मेरे को दूध ठंडा करना है तो रेफ्रिजरेटर नहीं है तो ये तो एक सिंपल सा मिठाई वाले का एग्जाम्पल हो गया अगर मैं आपके घर का फर्नीचर का बात करूं तो लकड़ी है बट स्क्रू नहीं है स्क्रू है फेविकॉल नहीं है अच्छा फेविकॉल है स्क्रू है सब कुछ है कटर मशीन नहीं है अच्छा सब कुछ हमने ठीक कर लिया बट आपने वो अभी तक लैमिनेट्स नहीं दिया लैमिनेट्स तो दे दिया बट वो पॉलिशिंग का जो मटेरियल है वो नहीं आया सो तो कहीं ना कहीं एवरी स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे प्रोसेस आएगा आपको हर चीज़ों के लिए रेडी रहना होगा ठीक है फ्लो ऑफ मटीरियल हैजू बी रेगुलेटेड एट सक्सेसिव वर्क पॉइंटिव वर्क पॉइंट अब हमने काम शुरू कर दिया मेरे पापा ने कहा मेरे को अरे बेटा अभी तुम चिंता मत करो अभी तो जस्ट प्लाईवुड गिराया है हमने अभी उन लोगों को स्ट्रक्चर बनाने दो अभी लैमिनेट्स देने में टाइम है पंद्रह दिन का समय है पंद्रह दिन में इनको ये कर लेने दो तब तक फिफ्टीन डेज में हम लोग लेमिनेट्स पसंद कर लेंगे और पसंद करके जैसे ही उनका काम खत्म होने को आएगा हम लोग तुरंत तीन से चार दिन पहले लेमिनेट्स का ऑर्डर देंगे ताकि वो डिलीवरी वाले भी दो तीन दिन लगाते हैं कई बार ऐसा होता है ना गोडाउन में माल नहीं है स्टॉक नहीं है सो सक्सेसिव पॉइंट्स जैसे ही हमने देखा कि कारपेंटर ने स्ट्रक्चर का काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया तो वो एक सक्सेसफुल पॉइंट है सेकेंड पॉइंट पे उसको लेमिनेट्स देना है फेविकॉल देना है तो क्या हम रेडी है मटेरियल का फ्लो के लिए यस वी हैव टू बी रेडी अगर हम रेडी नहीं होंगे तो क्या होगा जितने भी लेबर है वो शांति से बैठे रहेंगे और उनको बैठा के पैसा देना होगा उससे क्या होगा प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाएगा द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ बिजनेस कवर्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ प्रोक्योरमेंट जैसे भी हमने कहा ना प्रोक्योरमेंट मतलब लैमिनेट्स करके रेडी रहो भैया क्योंकि टाइम आने पे लैमिनेट नहीं देंगे तो प्रोडक्शन रुक जाएगा प्रोडक्शन रुक जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा एलोकेशन अब हमको कौन सा लैमिनेट देना है सस्ता क्वालिटी वाला टूल तो ये वाला लैमिनेट वहां दो प्रीमियम क्वालिटी ये वाला लैमिनेट वहां दो ठीक है एक्सपोर्ट क्वालिटी ये वाला एलोकेट वहां करो एलोकेशन एंड यूटिलाईजेशन ऑफ रिसोर्स जो बहुत हाई क्लास लेबर है उनको एक्सपोर्ट क्वालिटी में डालो जहां हमको सस्ता माल बेचना वहां क्वालिटी कम बेसी भी होगा तो वहां उसको वहां डाल दो तो हम मेरे को अलग अलग तरीके से दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं ना थाट एंड लॉजिक को साथ में देकर चलना है सो यूटिलाईजेशन ऑफ रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्स भी एक रिसोर्स है अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है इनफैक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विज इज द फोकल पॉइंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सेट्रा रिवॉल्व अराउंड प्रोडक्शन एकदम कॉमन सेंस की बात है प्रोडक्शन नहीं होगा तो भैया करेंगे क्या मार्केटिंग किसका करेंगे ठीक है ये बात हमने कई बार कहा है, फिर भी बोल दे रहे हैं ऑल बिजनेस एक्टिविटीज ऑल बिजनेस एक्टिविटीज लाइक परचेजिंग फाइनेंसिंग हमने परचेज कर लिया बट प्रोडक्शन नहीं हो रहा ये कोई बात हुआ भैया हम पैसे लिए थे क्यों लिए थे पैसे बैंक से क्योंकि हम फर्नीचर बनाते हैं जी और फर्नीचर बनाने के बाद उसको बेचते हैं एक्सपोर्ट भी करते हैं तो पैसा लिया हमने हमने एक करोड़ रुपया लिया बैंक से बट मेरे को पता है कि हम जब ये फर्नीचर बेच देंगे तो मेरे पास एक करोड़ की जगह दो करोड़ आने वाला है तो फाइनेंसिंग अब हमने फर्नीचर बना लिया अब हम मार्केटिंग करेंगे अब हमने गोडाउन में स्टोर करके रखा है तो सब कुछ क्या है अगर प्रोडक्शन होगा नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए एकदम जबरदस्त होना चाहिए एफिशिएंट होना चाहिए टाइम पे सब कुछ मिल जाना चाहिए हर सक्सेसिव पॉइंट्स पे प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए लेबर जितना चाहिए उतना आना चाहिए टाइम पे प्रोसेस सही होना चाहिए मशीन सही होना चाहिए ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए कुछ भी सप्लाई इन टाइम होना चाहिए सप्लायर को नाराज नहीं कर सकते हैं अगर वो सप्लायर प्रोडक्ट देने से मना कर दिया तो प्रोडक्शन रुक जाएगा सप्लायर नहीं दे रहा है क्यों नहीं दे रहा उसको पैसे नहीं मिले हैं हमने कहा था दो महीने में पैसे दे देंगे चार महीना हो गया पैसे नहीं दिया अरे क्यों नहीं दिया अरे क्या करे लॉकडाउन हो गया पेंडेमिक आ गया ऐसा आ गया वैसा आ गया कुछ कुछ रीजन है कुछ भी करो उसको मनाओ उससे फोन पे बात करो उसको गारंटी दो उसको लेटर दो बट उसे रॉ मटीरियल एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन इज देयर फॉर एसेंशियल फॉर द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन नहीं हुआ तो हम जो टारगेट बना के रखे थे कि इस साल हम कम से कम दस करोड़ रुपया का प्रॉफिट करेंगे ये हमारा बिजनेस का गोल है ऑब्जेक्टिव है बट अगर हम प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे भैया कैसे होगा द प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी सच कैसा होना चाहिए कोई भी एंटरप्राइज का प्रोडक्शन सिस्टम कैसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए दैट गुड्स एंड सर्विसेस गुड्स हो या सर्विसेस हो गुड्स एंड सर्विसेस क्या बात ऑफ प्रॉपर क्वालिटी अरे सर क्वालिटी कौन देखता सर छोड़िए ना बना लीजिए सर कुछ भी बना के कुछ भी बेच लेंगे नहीं भैया कस्टमर जो है ना वो बेवकूफ नहीं होता है अगर आप एक अच्छा क्वालिटी बनाओगे तो कस्टमर दूसरे लोगों को बोलेगा घटिया क्वालिटी बनाओगे तो सीधा आजकल गूगल फेसबुक में रिव्यू आ जाएगा कि नो नो दिस इज वेरी बैड कोई नहीं खरीदेगा तो प्रॉपर क्वालिटी बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर क्वालिटी कैसे पता चलता है अगर कोई एक सामान दूसरा इंसान हज़ार में दे रहा है वैसा ही क्वालिटी अगर मैं नौ सौ रुपया में दे दूं तो मेरा क्वालिटी बेटर है वैसा ही क्वालिटी अगर मैं पंद्रह सौ रुपया चार्ज करूं तो बोले हाँ पंद्रह सौ रुपया पंद्रह सौ रुपये से तो अच्छा हज़ार रुपया में तो मेरे तो को सेम टू सेम क्वालिटी मिल रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा क्वालिटी ख़राब हो गया तो क्वालिटी के साथ साथ प्राइस का कंपेरिज़न होना ही होना है तो प्रॉपर क्वालिटी मतलब दाम के अनुसार एज पर द प्राइस यू वॉन्ट टू चार्ज अब बहन जी अब बताइए आप हैंडबैग खरीदने चले अस्सी रुपया में आपको हैंड बैग इससे अच्छा क्या दे सकते हैं बताइए हम एट्टी रुपीज ओनली अब कंपेयर करेंगे एट्टी रुपीज का हैंडबैग एट हंड्रेड रुपीज से तो भाभी जी कैसे सक पाएंगे हम आप खुद ही सोचिए भाभी जी ओ भाभी जी ले लीजिए ले लीजिए बोनी करवा दीजिए प्लीज तो ऐसा होता ना, है ना प्रॉपर है आपका क्वालिटी पसंद नहीं है ओ भाभी जी अस्सी रुपया में और क्या देंगे भाभी जी अस्सी रुपया भाभी जी अगर एक महीना भी यूज कर लेंगे तो आपका तो वसूल हो जाएगा अस्सी रुपया क्वालिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड एट रीजनेबल कॉस्ट देखो भैया आ गया ना कॉस्ट तो जहां क्वालिटी का बात हो वहां कॉस्ट का तो बात होना ही होना है एंड एट द राइट टाइम एट द राइट टाइम अभी बारिश का सीजन है देखो बारिश हो रही है इट्स रेनिंग इट्स इट्स रेनिंग रेनिंग तो बारिश हो रही है और अम्ब्रेला हमको बनाना चाहिए था बारिश के सीजन में बट जैसे ही बारिश का सीजन खत्म हो गया हम अम्ब्रेला बना लिए फाइनली वाओ आओ तालिया। अरे भैया बना तो लिए बट खरीदेगा कौन अरे भाई बहुत अच्छा क्वालिटी बनाए हैं क्या करें भैया अच्छा क्वालिटी बनाने के लिए तो टाइम लगता है ना हम बहुत अच्छा क्वालिटी बना रहे थे अरे बेटे अच्छा क्वालिटी बनाए बहुत अच्छा किए बट अब तो बारिश नहीं हो रही है तो अब बारिश नहीं हो रही तो कोई छाता क्यों खरीदेगा सो so, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस मस्ट बी केपेबल ऑफ सैटिस्फाइंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर्स सो नीड था जुलाई के महीने में छाता का दिसंबर के महीने में आप छाता बेच रहे हो वेरी बैड वेरी बैड सस्ता बेच रहे हो नहीं खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है नो बिजनेस फर्म कैन सर्वाइव एंड ग्रो इन द मॉडर्न कॉम्पिटेटिव इकोनॉमी अनलिस प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड द कस्टमर्स कस्टमर को जो चाहिए वही अपन देता, वही अपन मैन्युफैक्चर करेगा एफिशियंट मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन इज एसेंशियल टू द प्रोफिटेबल फंक्शनिंग ऑफ एवरी एंटरप्राइज सो मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है प्रोडक्शन जो है उसको मैनेज करना पड़ता है अपने आप नहीं बनता कहने का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल है टेक्निक्स है टेक्नोलॉजी है मशीन है लेबर है सप्लाई है सही टाइम पे सप्लाई सही टाइम पे प्रोडक्ट को बनाना एक टाइम शेड्यूल है तो इजी नहीं है एक मेहनत का काम है इम्पॉर्टेंट काम है कस्टमर का टेस्ट पता होना चाहिए कस्टमर को अगर कैसा कलर चाहिए वैसा डिजाइन चाहिए तो सब कुछ वैसा ही बनाओ जाओ कस्टमर को चाहिए हमने बना लिया अपने हिसाब से और कस्टमर नहीं खरीद रहा है तो बेकार हो जाएगा सब कुछ सो डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट मेरे ख्याल से तो हम समझ चुके हैं बट वैसे एक बार रीड करेंगे सब कुछ समझ चुके हैं हम सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का डेफिनेशन द बेसिक एम ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स अरे भैया ये तो समझ में आ चुका कि गुड्स को बनाना है बनाएंगे जी बनाएंगे बट कैसा गुड्स बनाना है कैसा भाई जैसा रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर जो अभी अभी हमने कहा आपको और कैसा कुछ भी बना लो नहीं नहीं कस्टमर तो भैया देखो अगर 800 रुपया कस्टमर देना चाहता है अगर हमने कुछ ऐसा बनाया जो हमारा प्रोडक्शन नौ सौ रुपया लग गया और हम कस्टमर को बोले भैया सिर्फ एक सौ रुपया प्रॉफिट करेंगे आपसे तो कस्टमर बोलेगा देखो भैया हम तो 800 रुपये से ज़्यादा देंगे नहीं क्योंकि हमको ऐसा सेम टू सेम 800 रुपये में मिल रहा है वो कंपनी भले ही हमसे 200 सौ रुपया कमा रही हो क्योंकि उस कंपनी का कहना है कि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ छः सौ रुपया है वो 600 हो 500 हो हमें खबर मिला है कि उसका 600 है और वो हमसे 200 सौ का प्रॉफिट कर रहा है तो हम तो ये चाहेंगे हम तो ये चाहेंगे कि आप भी कुछ ऐसा काम करिए आप कुछ ऐसा काम करें कि आपका प्रोडक्शन पाँच सौ रुपया पे आ जाए और आप भी हमसे दो सौ रुपया कमाइए हमें कोई एतराज़ नहीं है इससे कम से कम हमारा आठ सौ के जगह सात सौ रुपया का आउटफ्लो हो ये कस्टमर का मैंटालिटी है अगर कस्टमर का ऐसा मैंटालिटी है तो मैं अगर प्रोडक्शन मैनेजर हूँ तो मेरे को हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा कॉम्पिटिटर है अगर कॉम्पिटिटर का प्रोडक्शन कॉस्ट सिक्स हंड्रेड रुपीज़ है तो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट फाइव हंड्रेड रुपीज़ हो तो मैं इस कॉम्पिटिटर को आराम से हरा दूंगा सो so, ये है बेसिक फंडा प्रोडक्शन मैनेजमेंट का सो so, हमें क्या करना है हमें गुड्स प्रोड्यूस करना है ऐसा गुड्स प्रोड्यूस करना है जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट है और किस प्रकार से करना है इन एन एफिशिएंट ये बार बार जो एफिशिएंट का जो बात हो रहा है ना एफिशिएंसी का मतलब यही है एफिशिएंसी का मतलब यही है कि जितना कॉस्ट को हम मिनिमम कर लें अगर वो 600 सौ रुपया में कॉम्पिटेटर बना रहा है और हम 500 सौ रुपया में बना रहे हैं तो हम एफिशिएंट, हैं ठीक है सो एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल बात एक ही है अगर हम इकोनॉमिकल है तो हम एफिशिएंट है हम एफिशियंट है तो हम इकोनॉमिकल है क्योंकि सस्ता हो गया इट इज एसेंशियल टू प्लान अब ये 600 सौ रुपया का कॉस्टिंग जो हमारे कॉम्पिटिटर का है हमको उसको 500 सौ रुपया में लेकर आना है और कॉम्पिटिटर बहुत इंटेलिजेंट है उसने बहुत दिमाग लगा रखा है तो मेरे को उसके इंटेलिजेंस को डिफीट करना होगा वो कहाँ से रॉ मटेरियल ला रहा है मेरे को उससे भी सस्ता लाना होगा उसके जो मशीन का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है मेरे को वैसा मशीन खरीदना होगा जो मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट उससे भी कम हो मेरे पास ऐसे लेबर्स होने, होने होंगे जो काम ज़्यादा करे अगर उसके लेबर एक दिन में एक हज़ार प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं तो मेरे लेबर उतना ही दाम में कम से कम बारह प्रोडक्ट को तैयार करें तब जाके बनेगा कुछ बात सो इट इज एसेंशियल टू प्लान तो प्लान करो भैया प्लान के बाद ऑर्गेनाइज करो डायरेक्ट करो कंट्रोल करो माई गॉड सो प्लानिंग करना होगा पूरा कि अब हम ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए अब हम ये जो रॉ मटेरियल है हम यहां से लाएंगे तो so अब लाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट का रेगुलेशन या जो भी ऑर्गेनाइज करो उसको फिर डायरेक्शन दो जिसको देना है डायरेक्शन दो कंट्रोल करो टाइम पे आ रहा है क्या नहीं आ रहा सारे चीजों को देखो मैनेज करो सो so, सब कुछ करेंगे हम प्रोडक्शन सिस्टम में इन ऑर्डर टू अचीव द सेम दीज एक्टिविटीज आर कलेक्टिवली नोन एज प्रोडक्शन मैनेजमेंट सो क्या एक्टिविटी है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोडक्शन सिस्टम अकॉर्डिंग टू बुफा प्रोडक्शन मैनेजमेंट डील डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस एक इंसान है जिसको डिसीजन लेना होगा वक्त वक्त डिसीजन लेना होगा मेटीरियल ले आदमी को रखे क्या निकाले सो so डिसीजन लेना होगा और क्विक डिसीजन लेना होगा ठीक है सो रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन प्रोसेस सो द रिजल्टिंग गुड्स और सर्विसेज आर प्रोड्यूसड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ध्यान देना मेरे को 32 इंच टेलीविजन खरीदना है और मैं बनाते बनाते उसको 31 वन बना दिया नहीं नहीं गलत हो जाएगा भैया ऐसे कैसे हो सकता है इन द अमाउंट्स या अगर मेरे को जूता बनाना है शू मैन्युफैक्चरिंग करना है तो शू मैन्युफैक्चरिंग का जो साइज़ है मेरे को उसी साइज के हिसाब से बनाना है एंड बाय द शेड्यूल डिमांडेड एंड एट द मिनिमम कॉस्ट सो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा सो प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा होना है कि जो रिजल्टिंग गुड्स है रिजल्टिंग गुड्स जो फाइनल आउटपुट है रिजल्टिंग गुड्स मतलब आउटपुट आउटपुट कैसा हो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन जो स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रख के हमने प्रोडक्शन चालू किया था वैसा ही बनना चाहिए ठीक है समोसा बनाएंगे हम इतना बड़ा बट बड़ बन गया इतना बड़ा अरे ये कोई बात हुआ इतना बड़ा कैसे बन गया भाई ठीक है क्योंकि हमने तो कहा था एक पीस समोसा हम लेंगे दस रुपया अब हमने बोला था इतना बड़ा अब आप इतना बड़ा समोसा बना दिया तो भैया मेरे को तो दस रुपया ही मिलना है तो गड़बड़ हो जाएगा स्पेसिफिकेशन ध्यान रखो इन दाई अमाउंट्स एंड बाय द डिमांडेड एंड एट द मिनिमम कॉस्ट इन एन कम्पलीसिंग दीज ऑब्जेक्टिशन मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद ट्रू ब्रॉड एरियाज ऑफ एक्टिविटीज द डिजाइन समोसा का डिजाइन गड़बड़ हो गया जी एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम दस प्रोडक्शन मैनेजमेंट इनवॉल्व प्लानिंग ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग organizing and controlling of production activities so POC, ठीक है of an enterprise so that objectives of efficiency and economy are achieved ये efficiency and economy ये बार बार आएंगे और ये आपको समझना होगा कि जब भी हम product बना रहे हैं तो हमें market में बेचना है और बेचने के लिए आपको कॉस्ट कम कम रखना होगा कॉस्ट कम रखना होगा तो कॉस्ट कम रखने को एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी बोलते हैं तो ये कॉमन सेंस है दोस्तों इट रेफर्स टू कोऑर्डिनेशन। अब ये इट रेफर्स टू द कोऑर्डिनेशन बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट का तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मेन रीजन क्या है मेन रीजन इज एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी मेन रीजन को समझिएगा तो मेन रीजन इज एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी कुल मिला के एफिशियंसी एंड इकोनॉमी का मतलब यह है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना चाहिए अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए जितने भी एलिमेंट्स जहां कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट है पैसा आउटफ्लो जहां हो रहा है अब वहां पर फोकस करेंगे सो कोऑर्डिनेशन ऑफ मटेरियल्स मटेरियल खरीदते हैं पैसा लगता है हाँ जी लगता है तो उसको इस तरीके से कोऑर्डिनेट करो कि सबसे सस्ता मटेरियल कहाँ मिल रहा है दस जगह ट्राई करो ठीक है सो कोऑर्डिनेशन ऑफ मटेरियल, पर्सनल, उस मटेरियल को यूज करने वाला जो इंसान है जो लेबर है या जो स्किल्ड वर्कर है या सेमी स्किल्ड वर्कर है क्या वो उसे वेस्ट कर रहा है या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहा है फॉर एग्जाम्पल ग्यारह मीटर क्लॉथ पे एक व्यक्ति ग्यारह शर्ट बना रहा है और दूसरा व्यक्ति बारह शर्ट बना रहा है तो जो व्यक्ति बारह शर्ट बना रहा है ग्यारह मीटर के कपड़े पे वो व्यक्ति मेरे लिए ज्यादा बेटर है मशीनरी कौन सा बेटर है कौन सा मशीनरी बेटर है मशीनरी मनी एंड अदर रिसोर्सेस टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विस ठीक है जी तो हम सब कुछ कॉर्डिनेट करेंगे सप्लाई रेगुलर होना जरूरी है गुड्स एंड सर्विसेस का गुड्स में मटीरियल हो गया सर्विसेज में अगर टेलर मास्टर जो है वो नहीं आ रहे हैं तो टेलरिंग सर्विसेज नहीं होने से मैं बनाता हूं ये लेट्स से वेडिंग सूट्स तो नहीं बना पा रहे अंडर प्रोडक्शन मैनेजमेंट द मैनेजीरियल फंक्शन आर अप्लाइड टू द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम डिजाइन एंड ऑपरेशन डिजाइन एंड ऑपरेशन मतलब कोई ड्रेस डिजाइन का बात नहीं हो रहा स्टेप्स स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन स्टेप्स का काम सही तरीका से हो रहा है क्या नहीं ऑपरेशन डॉक्टर का ऑपरेशन का बात नहीं हो रहा है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडियर का बात हो रहा है प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन ऑफ फैक्ट्रीज और प्लांट्स फैक्ट्रीज और प्लांट्स अब प्लांट्स में ये प्लांट एनिमल ट्री वाला प्लांट बात नहीं हो रहा है ठीक है बड़े बड़े फैक्ट्रीज को प्लांट्स भी कहते हैं दिस इज सो बिकॉज द प्रोडक्शन फंक्शन डेवलप्ड लार्जली इन द फैक्ट्री इट वॉज द फैक्ट्री सिस्टम वेर इन द प्रॉब्स ऑफ हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड ले आउट फैसिलिटीज तो फैक्ट्री में ही स्टार्ट हुआ था ज़रा प्रॉब्लम कि कैसे अरेंज करना है ठीक है हाउ टू मीट शेड्यूल्स एंड एंड कंट्रोल क्वालिटी क्योंकि फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन हो रहा है तो क्वालिटी को कंट्रोल करना जरूरी है क्वालिटी अगर सही नहीं आ रहा तो वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं सारा मेहनत बेकार एक्सेट्रा अरोज फॉर द फर्स्ट टाइम बट द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वाइडर एंड इट डील्स विद द ऑपरेशनल साइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बड़ा अच्छा बात है दोस्त पहले का जमाना और आज के जमाने का फर्क बताया जा रहा है आज के जमाने में ऑपरेशनल साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा क्यों आज का जो प्रोडक्शन का जो सिस्टम है बहुत बदल गया है आज का दिन में मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं बात करूं एप्पल कंपनी का तो एप्पल कंपनी है अमेरिकन कंपनी बट उसका मेजर प्रोडक्शन चाइना में हो रहा है और वो रॉ मटेरियल का सोर्सिंग अलग अलग कंट्री से कर रहा है जहां सबसे चीप मिले वहां से सोर्सिंग कर रहा है सो इट इज हाउ दे आर मैनेजिंग एंटायर प्रोडक्शन प्रोडक्शन फंक्शन इज नो लॉन्गर कंफाइंड टू प्लांट्स और फैक्ट्रीज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लाइक होटेल्स बैंक हॉस्पिटल कॉलेजेस एटसेट्रा ऑल्सो हैव प्रोडक्शन सिस्टम कहने का मतलब यह कि ये जो सिस्टम का हम बात कर रहे हैं सिस्टम पहले फैक्ट्रीज के लिए था प्रोडक्शन सिस्टम बट आज के दिन में होटेल्स में भी बैंक में भी हॉस्पिटल में भी कॉलेज में भी प्रोडक्शन सिस्टम लागू हो गया है प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब क्या है भाई तो बेस्ट टू बेस्ट ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कम से कम खर्च में बनाना है तो उसी प्रकार से बैंक में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को कम से कम लोगों को एम्प्लॉय करके सर्विस देना है होटेल्स में ज्यादा से ज्यादा तरीके से मेरे को काम निकालना है और एफिशिएंसी में काम निकालना है तो ये हो गया प्रोडक्शन सिस्टम बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल प्रोडक्शन सिस्टम देखो जब भी सिस्टम का बात होगा तो इनपुट आउटपुट आएगा ही और इनपुट्स कन्वर्जन प्रोसेस एंड आउटपुट्स इनपुट यहां कन्वर्जन होगा या प्रोसेस होगा और यहां आउटपुट होगा सिस्टम इन ऑर्डर टू डिनोट द ब्रॉडर व्यू ऑफ प्रोडक्शन मॉडर्न राइटर्स यूज द टर्म प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट सो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट यह हो गया आज का मॉडर्न टर्मिनोलॉजी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट हाउ एवर दिस चैप्टर डील्स विथ द प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस अभी क्लास नाइन में हो बहुत डिटेल्ड पढ़ाई नहीं करा रहे हैं सुबस प्रोडक्शन सिस्टम का एक बेसिक नॉलेज फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज वेरी वाइड एंड इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द प्लांट टू द पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट लोकेशन टू पैकिंग लोकेशन क्यों बोला जा रहा है क्योंकि रॉ मटेरियल इस लोकेशन पे पहुंचाना है रॉ मटेरियल पहुंचा दिया सब कुछ देख लिया फिनिश प्रोडक्ट बन गया अब इसका पैकिंग करना है पैकिंग या पैकेजिंग जो भी बोलो पैकिंग करके फिर इसको यहाँ से निकाल के बाहर मार्केट में भेजना है द डिज़ाइन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम रिक्वायर्स मैनेजीरियल डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन द फॉलोइंग एरियाज अच्छा कहां कहां पर डिसीजन लेना है आइए देख लेते हैं सो so, क्या प्रोडक्ट बनाना उसका डिजाइन क्या है क्या ये डिसीजन का काम है क्या इस पर विचार विमर्श करना पड़ेगा बिल्कुल करना पड़ेगा डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम पूरा सिस्टम बनाना होगा अब सिस्टम में क्या हुआ रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा कौन सा काम कैसे होगा कितने टाइम तक होगा क्वालिटी कैसे चेक करेंगे पूरा सिस्टम सिस्टम मतलब पूरा इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट तो पूरा सिस्टम का डिजाइन करेंगे हम लोग फिर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल अब चलो हमने सिस्टम तो डिजाइन कर लिया समझ लिया जी ठीक है प्लानिंग कर लिया डिजाइनिंग कर लिया अब गेम को स्टार्ट करते हैं ठीक है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल प्लांट बिल्डिंग्स लेआउट ऑफ द प्लांट सेलेक्शन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहना चाहिए नए आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए फिर मैन्युफैक्चरिंग करिए क्वालिटी कंट्रोल करिए डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट द प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म इज डिसाइडेड बाय इट्स टॉप मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट में ने डिसाइड कर लिया कि भैया हम एक आई फोन आई फोन का लेटेस्ट वर्जन आई फोन थर्टीन निकालने वाले हम लोग ठीक है वंस द प्रोडक्ट इज डिसाइडेड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रिपेयर इट्स डिजाइन अब इसमें क्या नया फीचर्स होगा क्या डिजाइन होगा प्रोडक्ट डिजाइन कंसिस्ट ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन फॉर्म एंड फंक्शन ठीक है फॉर्म एंड फंक्शन मतलब क्या हुआ ये ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है क्या किस फॉर्म में है इसमें क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं और फंक्शन function, फंक्शनैलिटी क्या है भाई इस बार जबरदस्त कैमरा देंगे कैमरा एक फंक्शन हो गया ठीक है द फॉर्म डिजाइन इज कंसर्न विद द शेप साइज एंड अपियरेंस ऑफ द प्रोडक्ट जैसे हमने शेप साइज कहा अपियरेंस कौन सा कलर रहेगा नया कलर मैट कलर पॉलिशिंग कलर जो भी है अलग अलग चीज वेयर इज द फंक्शनल डिजाइन इनवॉल्व वर्किंग कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट तो मेरे ख्याल से इसमें समझना समझाने का कुछ नहीं है जब हमने फोन का बात किया तो आप समझ गए हो गए सेकेंड पॉइंट में आ जाइए प्रोडक्शन सिस्टम को डिज़ाइन करना है प्रोडक्शन सिस्टम इज द फ्रेमवर्क विद इन विच इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स प्रोडक्शन सिस्टम इनपुट्स को यूज़ करके फाइनली हमें बनाना है आईफोन 13। तो हमारा आउटपुट तो आईफोन 13 है अब आईफोन 13 का ये इनपुट्स अलग अलग रहेगा क्या कैमरा रहेगा रहेगा क्या चिप रहेगा मेमोरी चिप रहेगा तो बहुत कुछ रहेगा ठीक है वो जो फ़ोन का जो स्क्रीन है वो रहेगा हाँ जी रहेगा तो अलग अलग इनपुट्स है ठीक है सो प्रोडक्शन सिस्टम इज़ द फ्रेमवर्क इन विच इनपुट्स आर कन्वर्टेड तो ये इनपुट्स को एक पूरा प्रोसेस लगाएंगे ठीक है पहले हार्डवेयर को बैठाएंगे कैसे कैसे क्या करना है पूरा प्रोसेस फिर फाइनली एक आईफोन थर्टीन बनाएंगे डिजाइन और फॉर्मूलेशन ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम इनवॉल्व द चॉइस ऑफ एन अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन सिस्टम देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम नेमली जॉब प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोडक्शन अब जॉब प्रोडक्शन को मैं समझा दे रहा हूँ। समझ लो ये जो स्क्रीन लगना है ना फाइनल स्क्रीन जो लगना है या एल पैनल जो है एल एलसीडी पैनल का जॉब तो हमने सैमसंग कंपनी को दे दिया साइज स्पेसिफिकेशन बता दिया भाई ये काम आप करके दीजिएगा जो मेमोरी चिप लगना है वो हमने इंटेल को दे दिया जो ग्राफिक्स कार्ड लगाना है वो हमने दूसरे कंपनी को दे दिया जॉब में ठीक है बाकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या क्या करना है वो हमने प्रोसेस प्रोडक्शन कर लिया एंड इंटरमीडियंट प्रोडक्शन सो तीन तरीका का प्रोडक्शन का बात हो रहा जॉब प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोडक्शन एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्शन द चॉइस ऑफ वन आउट ऑफ देम डिपेंड्स अपॉन अब कौन सा प्रोडक्शन करना है दट विल डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर एंड द स्केल ऑफ प्रोडक्शन एटसेट्रा किस स्केल में बनाना है अब मेरे को जल्द से जल्द बनाना है मैं सब कुछ अकेले नहीं कर पाऊंगा तो मैं कुछ कुछ चीजों को जॉब वर्क में जॉब प्रोडक्शन में किसी और को जॉब दे देता हूं ठीक है क्योंकि मेरा स्केल बहुत है एक दस करोड़ दस करोड़ हैंडसेट्स मेरे को चाहिए और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है सो मैंने अपने हिसाब से प्लानिंग कर लिया जी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल It involves the determination and regulation of production processes. Once the product and the production system are designed and developed, the production department starts production planning. Production planning is concerned with the planning of production activities before actual operation begins. The proper planning before the actual operation begins is important. रिक्वायरमेंट फॉर मटीरियल मशीनरी मैन पावर एक्सेट्रा सो प्लानिंग का मतलब ये होता ना घर पे, पे मेहमान आने वाले हैं अब उनको खाना खिलाना है तो पहले से ही हमको क्या क्या सब्जी मंगवाना है गैस सिलेंडर है या नहीं है दूध वाले को बोलना पड़ता है ना भैया बच्चे छोटे बच्चे आएंगे तो कल से दो लीटर नहीं चार लीटर दूध देना है तो फोन करके बोलो लिस्ट तो पहले पहले लिस्ट तो बनाओ पहले प्लानिंग तो करो कि दूध वाले को कितना बोलना है कितना एक्स्ट्रा दूध मंगवाना है पहले उसका प्लानिंग तो करो कैसे करेंगे प्लानिंग कितने लोग आ रहे हैं जो आ रहे हैं वो चाय पीते हैं कॉफी पीते हैं छोटे बच्चे हैं कोई बुजुर्ग है बुजुर्ग हॉर्लिक्स लेते हैं तो भैया दवाई वाले को बोलो हॉर्लिक्स का भेजे तो प्लानिंग तो करो पहले एंड एस्टैब्लिश द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फॉर ईच पार्ट और असेंबली टाइम शेड्यूल फॉर द स्टार्ट एंड completion ऑफ ईच एंड एवरी आइटम is also prepared किस समय क्या क्या हो जाना चाहिए दस प्रोडक्शन प्लानिंग इनवॉल्व लुकिंग अहेड प्लानिंग का मतलब ये होता है कि काम शुरू हुआ नहीं उससे पहले प्लानिंग कर लो इमेजिन कर लो विजुअलाइज कर लो एंटिसिपेटिंग बॉटल नेक्स इन प्रोडक्शन बॉटल नेक्स बड़ा अच्छा वर्ड होता है लेट्स अगर एक बॉटल में डिजाइन बना रहा हूं ये जो बॉटल नेक का मतलब ये होता है कि जब बॉटल थिन हो जाती है यहां पर तो फ्लो जो है कोई भी चीज का जो फ्लो होता है नेक जैसे अगर मेरा शरीर देखो तो यहां से चौड़ा है नेक इतना सा है तो यहां आके कोई भी चीज अटक जाती है तो प्रोडक्शन का जो फ्लो है वो यहां आके स्टॉप हो जाएगा जैसे अगर कोई हाईवे में बहुत बड़ा रास्ता है तो बहुत गाड़ी हाई स्पीड में जा रही है बट अगर कहीं ना कहीं आके अगर वो रास्ता थोड़ा सा नेक टाइप का बन जाता है तो जैम हो जाता है फ्लो रुक जाता है तो कहाँ पर फ्लो रुक सकता है तो पहले से ही देख लो एंड टेकिंग स्टेप्स टू रिमूव एंड्रेंसेज इन द स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर भी बॉटल नेक है वहां पर ज्यादा इंस्पेक्टर ज्यादा ट्रैफिक गार्ड दे दो भैया वो ठीक से मैनेजमेंट होना चाहिए वहां पर क्योंकि अगर वर्क फ्लो अगर रुक जाए या स्लो हो जाए तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है तो कौन से जगह पर आकर विशेष ध्यान रखना है दैट इज कॉल्ड बॉटल नेक और वहां पर पहले से ही सोच लो कि कैसे काम ठीक करना है